एक तरफ जहां पवन अरु मुंबई में खूब एंजॉय कर रहे हैं अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, तो दूसरी तरफ मुंबई में शादी के सीजन में स्टार्स की चमक धमक भी खूब देखी जा रही है। इस सीजन में कई सारे स्टार्स शादी के बंधन में बन चुके हैं, जिसमें से एक नाम अनुष्का रंजन और आदित्य सील का भी है। इस स्टार की शादी में कई सारे स्टार्स का जमावाड़ा लगा। ये शादी दुल्हा दुल्हन की वजह से लाइमलाइट में नहीं रही, बल्कि आने वाले गेस्ट की वजह से खूब चर्चा में रही, और वो खास मेहमान आलिया भट्ट थी। वैसे तो इस शादी में कई सारे गेस्ट आए, लेकिन आलिया भट्ट पर सबकी नजरें क्यों टिक गईं? हम आपको बता दें कि आखिर इस शादी की वजह से आलिया भट्ट को क्यों ट्रोल होना पड़ा। आलिया भट्ट अपनी बेस्ट फ्रेंड अनुष्का रंजन कपूर और आदित्य सील की शादी के प्री वेडिंग फंक्शन में कुछ इस अंदाज में पहुंची थी कि लोग उन्हें कॉमेंट किए बिना रह नहीं पाए। फिल्म अदाकारा ने इस शादी में पीले लहंगे में हॉट ब्लाउज पहनकर सारी लाइमलाइट चुरा ली। हालांकि इसके बाद एक्ट्रेस बुरी तरह ट्रोल भी हुई। बेशक आलिया बहुत खूबसूरत लग रही थी और उनका लुक सबसे अलग हटके बताया जा रहा था, लेकिन इसी लुक ने उन्हें बेइज्जत भी कर दिया। अनुष्का रंजन और आदित्य सील की शादी में अदाकारा आलिया भट्ट हॉट ब्लाउज में पोज देती हुई दिखी। आलिया भट्ट के ब्लाउज पर सवाल उठाते हुए कुछ यूजर्स ने यहाँ तक पूछ लिया कि भला इसे पहनते कैसे हैं? क्या आपने उल्टा ब्लाउज पहन लिया? आलिया भट्ट इतनी जल्दबाजी में थी कि उन्होंने उल्टा ब्लाउज पहन लिया। आलिया भट्ट के ड्रेसिंग सेंस पर सवाल उठाते हुए कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर कमेंट कर लिखा, आलिया भट्ट ने ये क्या पहन रखा है, समझ में ही नहीं आ रहा, इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि वो उल्टा ब्लाउज पहनकर आ गई। बॉलीवुड फिल्म अदाकारा आलिया भट्ट ने ट्रोलर्स को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, बल्कि आलिया इस रिस्की ब्लाउज में पोज देती ही रही और उन्हें लोगों के कमेंट से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। वो बिंदास होकर इस ब्लाउज में पोज देती ही रही। फिल्म अदाकारा आलिया भट्ट ने पीले रंग के लहंगे में इटला इटला कर पोज दिए। अनुष्का रंजन और आदित्य सील की शादी में आलिया भट्ट का ये अंदाज लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन आलिया को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आलिया खुद को ही बहुत प्यार करती है। वेल, आप आलिया के इस ड्रेसिंग सेंस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी की खबरें कई महीनों से आ रही हैं और बीते 15 दिन में ये खबरें बहुत तूफान पर हैं। दोनों की शादी के फंक्शंस 7 से 9 दिसंबर के बीच राजस्थान के सवाई माधोपुर में होंगे। इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें गेस्ट लिस्ट तैयार करने से लेकर शादी के गेटअप के लिए डिजाइनर के कलेक्शन भी शामिल कर लिए हैं। हाल ही में इस कपल्स के सीक्रेट तरीके से रोका करने की खबर आई थी। खबरें थी कि विकी और कैट ने कबीर खान के घर पर एक सीक्रेट सेरेमनी में रोका कर लिया है और अब दोनों की इन खबरों को बेबुनियाद बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट में इनका चौंकाने वाला खुलासा हुआ। खबरें हैं कि दोनों के रोके की खबर मीडिया में आने के कारण विकी और कैट में लड़ाई तक हो गई थी। सीक्रेट रोके की खबर मीडिया में लीक होने पर विकी खासा गुस्सा हो गए और कैटरीना से बहस करने लगे। दोनों इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि ये बात मीडिया तक कैसे पहुंची। खबर के मुताबिक दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया था कि किसकी टीम ने इस खबर को लीक किया। इस खबर से विकी और कैट के साथ साथ दोनों के फैंस भी परेशान हो गए थे। वही अब दोनों के बीच बहस की खबरों ने भी विकी और कैट के फैंस को परेशान कर दिया है। आपको बता दें, इससे पहले विकी ने सगाई की अफवाह फैलाने के लिए मीडिया को दोषी ठहराते हुए कहा था कि ऐसी खबरें आपके चार दोस्तों ने ही फैलाई थी, सही समय आने पर मैं सगाई भी कर लूंगा और उसका भी टाइम आएगा। वैसे आप इस शादी के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक्टर विक्की कौशल और एक्ट्रेस करीना कैफ की शादी की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार्स को कार्ड भी भेज दिया गया है। कुछ स्टार्स इस शादी में काम की वजह से शामिल भी नहीं हो पाएंगे, तो कुछ स्टार्स इस शादी में स्पेशल परफॉर्मेंस देने आएंगे। अब कैटरीना की शादी है, ऐसी वैसे स्टार्स की शादी तो नहीं है। ऐसे में इंतजाम भी VIP किए गए क्योंकि इनकी शादी करीब 10 दिन तक चलने वाली है। ऐसे में जयपुर में एक ऐसी परेशानी देखी जा रही है जिससे स्टार्स ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। कैटरीना विकी की शादी की वजह से जयपुर में गाड़ियां नहीं मिल रही हैं। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल इस साल दिसंबर के महीने में अपनी गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ के साथ शादी रचाने वाले हैं। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब इन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया है। खबरें ऐसी है कि शादी के लिए दोनों राजस्थान जाएंगे, जहां 700 साल पुराने किले में ये सात फेरे लेंगे। कैटरीना कैफ ने इस किले में शादी करने की इच्छा जताई थी।
कैटरीना कैफ की इच्छा ये भी है कि वो ठंड में ही शादी करना चाहती हैं, जिस कारण विकी कौशल ने इसी साल साथ फेरे लेने का फैसला किया है। विकी कैटरीना की शादी से इनके फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन जयपुर के लोगों को कुछ परेशानी हो रही है। असल में विकी कैटरीना की शादी के फंक्शन लगभग एक हफ्ते चलेंगे, जिस कारण इन्होंने जयपुर की सभी गाड़ियां रेंट पर बुक कर ली हैं। ऐसे में वहां जाने वाले लोगों को गाड़ियां रेंट पर नहीं मिल रही हैं। जो लोग दिसंबर की बुकिंग करा रहे हैं उन्हें ट्रैवलिंग की परेशानी झेलनी पड़ रही है। विकी कौशल कैटरीना की शादी की वजह से केवल आम लोगों को ही नहीं परेशानी हो रही है, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी परेशानी हो रही है। असल में जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो दिसंबर में राजस्थान के जयपुर में शूटिंग की प्लानिंग कर रहे थे, ऐसे में उन्हें भी वो गाड़ियां नहीं मिल रही है। तो विकी और कैटरीना की शादी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय तो जरूर दीजिए। कुंडली भाग स्टार श्रद्धा आर्या ने बीती रात नेवी के अफसर राहुल के साथ साथ फेरे ले लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त शादियों का सीजन है और हर तरफ शहनाइयां बज रही हैं। बॉलीवुड में भी शादी को लेकर काफी क्रेज देखा जा रहा है और अब श्रद्धा आर्या ने भी अपने हम सफर से शादी कर ली। अब तक श्रद्धा आर्या ने अपने पति की पहचान को जमाने से छिपा कर रखा था। उन्होंने अपने अफेयर के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया था। अचानक से शादी की खबर देकर हर किसी को उन्होंने झटका दे दिया। शादी के मंडप में लोगों को पता चला कि श्रद्धा आर्या किससे शादी कर रही है। इस दौरान श्रद्धा आर्या अपने पति पर जमकर प्यार लुटाती नजर आई। सोशल मीडिया पर श्रद्धा आर्या का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में श्रद्धा आर्या अपने पति राहुल के गाल सबके सामने खींचती नजर आती है। बहू की ऐसी हरकतें देखकर सास भी हैरान रह गई। अब श्रद्धा आर्या के पति लग ही इतने क्यूट रहते कि टीवी की हसीना खुद पर काबू नहीं कर पाई। श्रद्धा आर्या ने स्टेज पर आते ही अपने पति को परेशान करना शुरू कर दिया। श्रद्धा आर्या का ये वीडियो फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और जी भर कर कॉमेंट कर रहे हैं, खूब प्यार लुटा रहे हैं। श्रद्धा आर्या जब अपने पति को यहाँ पर इतना परेशान कर रही है तो सोचिए बाद में क्या हाल होने वाला है, ऐसे कॉमेंट आ रहे हैं। श्रद्धा आर्या शादी के बाद अपने ससुराल के लिए रवाना हो चुकी है। चंद घंटों पहले ही श्रद्धा आर्या ने अपने परिवार को अलविदा कहा। हालांकि श्रद्धा आर्या को अपना घर छोड़ने का जरा भी दुख नहीं है, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि भले ही कितनी भी कैसी भी लड़की क्यों ना हो, लेकिन विदाई के वक्त उसके आंसू निकल ही आते हैं। लेकिन पहली ऐसी एक्ट्रेस देखी जा रही है जिसके आंसू तो छोड़ो, हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी तो श्रद्धा आर्या अपनी विदाई के समय रोने की जगह ठहाके लगाती दिखाई दी। सोशल मीडिया पर श्रद्धा आर्या का ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है कि श्रद्धा आर्या कैसे नहीं रो रही हैं, उनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं है, उन्हें अपने मम्मी पापा से अलग होने का जरा भी गम नहीं है। इस वीडियो में श्रद्धा आर्या अपने पति की कार में बैठकर जोर जोर से हंसकर अपने परिवार और दोस्तों को बाय बोल रही हैं। श्रद्धा आर्या कह रही हैं कि अब उनको बड़ी दूर जाना है तो प्लीज जाने दो मुझे। श्रद्धा आर्या की बातें सुनकर उनकी एक सहेली ने सबसे उनकी कार को धक्का लगाने के लिए बोल दिया। लगता है कि जैसे श्रद्धा आर्या की विदाई से उनके दोस्त कुछ ज्यादा ही खुश हैं। वैसे आप श्रद्धा आर्या की इस फनी वीडियो पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।